लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान देने सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला अपनी पत्नी साथ मतदान स्थल पहुंचे। उन्होंने कहा कि मतदाता विकास के आधार पर वोट डाला है, 300 प्लस सीट लेकर संसद में पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, जी मेरा नाम शफीक अहमद है, सन ऑफ वलीउल्लाह। सर ये हमको फर्स्ट कैंडिडेट जो मतदान किए हैं उनको उसका सर्टिफिकेट हमको मिला हुआ है, ठीक है। ये हमने सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में बूथ संख्या 324 पे छोटे काजीपुर के निवासी हमने किया है। मुझे मत देने का अधिकार मिला हुआ है, उसका सदुपयोग मैंने किया है। मेरा नाम लीला श्रीवास्तव है और मैं छोटे काजीपुर की रहने वाली हूँ। मतदाता विकास के आधार पर वोट डाल रहे हैं और उनको ये लगा है कि विकास देश में हुआ, इस नाते एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुनना चाहिए जो देश को विकास की तरफ ले जा रहा है। पुनः उनका मन यही है कि वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनावे। वास्तव में जैसे मुद्रा योजना के द्वारा जिस प्रकार से रोजगार मिला, 13 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रोजगार दिया है। जो नौकरी मांगने के जा लेते थे आज नौकरी देने वाले बन गए हैं। स्वाभाविक है उसकी रुझान उधर है कि हमको रोजगार मिला है, किसानों को 6000 रुपये का आत्मसम्मान वो उनको मिला है, इसी प्रकार से चिकित्सा की सबकी व्यवस्था हो गई है। तो ये सोच करके वो मतदान कर रहा है। कितनी सीटें ला रही है भाजपा? भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटें लेकर के निश्चित रूप से संसद में रहेगी। रवि किशन की अगर बात करें तो कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं? 3 लाख से अधिक वोटों से रवि किशन जीतेंगे। ठीक है।